अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, मैंने बोला था कि इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, तो चलिए हम आज इसको पार्ट 3 बताते हैं। इसके लिए यही उल हम लगाएंगे और जिस 8 नंबर का क्रोशिया लगाए थे वही हम लगाएंगे। तो चलिए हम इसी से बनाते हैं। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे इस तरह से नोट लगाएंगे और यहाँ पे हमने ख़त्म किया था, यहीं से ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 2 हो गया, ये 3 और ये 4। ये देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चैन लेंगे और इस वाले बीच में जो 2 चैन लिए थे इसी चैन में हमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 डबल क्रोशिया इसमें हमने बनाया है। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करके ये पूरी रो कंप्लीट करना है। ये देखिए इसमें 4 डबल क्रोशिया और फिर 3 चैन लेके फिर इसमें इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर 1 2 3 चैन लेके फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से करके ये पूरी रो कंप्लीट करना है। एक ऐसा बनाना है और एक ऐसा बनाना है। इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे दिखाते हैं क्या करना है। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे वो आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो हमने 3 चैन लिया था यहाँ पे थोड़ा चैन लीजिएगा, हमने आगे गए हैं तो इस ये थोड़ा सिकुड़ रहा था तो इसलिए हमने चैन बढ़ा दिया है। तो देखिए यहाँ पे 2 चैन पहले से लिए हैं, 3 4 और ये 5। 5 चैन लेंगे और इस वाले चैन में इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए फिर 1 2 3 फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3। ये सारे चैन में सिंगल क्रोशिया बनेगा इस तरह से, 3 3 चैन लेके और ये सारे में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 6 फिर 3 चैन लेके ये 7 हो गया। तो देखिए नीचे में जो फंदा है ये डबल क्रोशिया 8 है और ऊपर में ये आपका 7 हो गया, तो अब ये घटेगा। फिर 1 2 3
चार पांच चैन लेंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया चार बार बनाएंगे। इस तरह से तो इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे दिखाते हैं। ये देखिए एक और बना देते हैं, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच चैन के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से तीन तीन चैन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। देखिए एक दो तीन चार और ये पांच छः और फिर ये सात, इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। इस तरह से यहाँ पे चार डबल क्रोशिया और उसके बाद वाले में इस तरह से बनेगा। अभी देखिए ये पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से, ये देखिए यहाँ तक इसे बनाना है। तो चलिए हम इसे यहाँ से किस तरह से बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने छह चैन ले लिया है, छह चैन लेने के बाद यहाँ से देखिए ये जो एक डबल क्रोशिया है इसके बीच से हमें यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक दो तीन और ये चार, फिर यहाँ पे हमें दो चैन लेना होगा। दो चैन लेने के बाद फिर ये दो इधर बीच में करेंगे और फिर इसके बीच में चार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए सॉरी ये पांच हो गया है, तो देखिए चार ही रहेगा। फिर एक दो तीन चार, चार चैन पांच चैन लेंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस चैन के बीच में इस तरह से। फिर एक दो तीन चैन लेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से तीन तीन चैन लेके नीचे हमने सात बार बनाया है, तो एक दो तीन चार, ये पांच, उसके बाद ये छः, इस तरह से ये घटेगा। फिर एक दो तीन चार और ये पांच छः, छः चैन लेने के बाद फिर यहाँ पे इसके बीच में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर दो चैन लेंगे और फिर यहाँ पे चार डबल क्रोशिया, इस तरह से करके पूरी रो हमें कंप्लीट करना है। और फिर ये रो कंप्लीट करके आगे फिर दिखाएंगे कि किस तरह से बनाना है। देखिए ये वाला जो है इधर जाएगा और ये जो चार डबल क्रोशिया है इधर जाएगा और ये वाला, ये दोनों इस तरह से आएगा। तो ये पूरी रो कंप्लीट करके हम दिखाते हैं। देखिए पूरा रो हमने कंप्लीट कर दिया है, अब हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। यहाँ देखिए एक दो
दो तीन चार चैन लिए हैं और ये पांच और ये छह। छह चैन लेने के बाद यहाँ पे देखिए इसके बीच में हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनेगा और यहाँ पे ये ध्यान से देखिए कि ये दो रो हमने इसी तरह से बना लिया है। अब यहाँ पे हम इसे इस तरह से घुमा देंगे और यहाँ पे तीन चैन लेंगे इस तरह से और फिर इसके बीच में दो इधर और दो इधर करके यहाँ पे फिर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए चार डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः चैन लेंगे और फिर यहाँ पे जितना ऊपर जाएगा ये वाला घटेगा तो ये आपका चैन बढ़ेगा। अभी छः लिए हैं उसके बाद सात होगा। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक दो तीन चैन लेके फिर ये पास वाले चैन में सिंगल क्रोशिया इसी तरह से तीन तीन चैन लेके इस तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से तो देखिए कितना हुआ एक दो तीन चार पांच फिर एक दो तीन चार पांच और ये छः। छः चैन लेने के बाद फिर इसमें चार डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। फिर ऐसे घुमा देंगे और तीन चैन लेंगे। तीन चैन लेने के बाद फिर यहाँ पे बीच में इस तरह से बीच में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से करके ये घटाते घटाते हमें एक करना होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये घटते हुए एक हो जाएगा और ये वाला इसी तरह से जाएगा। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः चैन लिए और फिर इस तरह से सॉरी अभी सात चैन लेंगे तो इस तरह से इसे बढ़ाना होगा चैन को और ये वाला जो है ये घटेगा। फिर तीन चैन लेंगे और फिर पास वाले चैन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे इसी तरह से करके। ये वाला ये मछली कट हम लोग बोलते हैं डिजाइन। बहुत सारा आदमी ये बोलता है पाइन एप्पल है एप्पल है कोई बोलता है लेकिन हम लोग इस डिजाइन को मछली वाला डिजाइन ही बोलते हैं। आप किसी भी जुबान में बोलिए एक दो तीन चार पाँच छ सात फिर यहाँ पे चार डबल क्रोशिया इस तरह से करके ये पूरा हम पाइनएप्पल डिजाइन आपको बना के पूरा एक हो जाएगा तो आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये पूरा घट के यहाँ तक आ गया है। अब हम इसमें इसे ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने तीन चैन लिया है। तीन चैन लेने के बाद फिर इसमें इस वाले में चार डबल क्रोशिया करके ज्वाइंट कर देंगे और फिर उसी तरह अगला जो पाइनएप्पल है उसे हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इसे कट कर देना है। और इसके इसको देखने में ये वाला इस तरह से आएगा और इसी तरह से देखिए अब हम यहाँ पे इसे लगाएंगे
देखिए इससे इसके बीच से ये जो हम चार डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी के बीच से हम लगाएंगे और फिर इसी में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए, फिर उस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः चैन लेंगे। अभी हम छः चैन लेंगे और ये देखिए यहाँ पे आपका चैन बढ़ते हुए यहाँ पे 12 चैन आया है। तो हमेशा ये हर राउंड में ये चैन बढ़ेगा और ये वाला जो है ये घटेगा। तो देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया एक दो तीन और ये चार फिर पांच छः और ये सात और ये आठ फिर एक दो तीन चार पांच छः चैन लेने के बाद यहाँ पे चार डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और फिर तीन चैन लेके चाहे ये तीन चैन इस तरह से घुमा के लीजिए चाहे इधर से लीजिए कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसे फिर इसी में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अभी हम यहाँ पे छह चैन लिए हैं, हम सात चैन आठ चैन इस तरह से एक करके ये चैन बढ़ेगा। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात चैन और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इसी तरह से करके ये पाइनएप्पल का आकार आपका इस तरह से आएगा और ये सारा इसी तरह से बनेगा। तो हम कुछ बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए सारा ये चारों तरफ से पूरी रो हमने कंप्लीट कर लिया है और ये सिर्फ एक बच गया है। तो चलिए ये हम आपके सामने बता देते हैं किस तरह से बनाना है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा। और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा और इसका पार्ट थ्री बहुत जल्द आ जाएगा। देखिए यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ चैन लिए हैं और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया आएगा, सॉरी यहाँ पे सात चैन ही चाहिए। यहाँ पे एक एक चैन दो दो चैन करके यहाँ पे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे आके 12 चैन हो जाएगा। तो देखिए ये इसी तरह से यहाँ पे तीन चैन लेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया इसमें बना देंगे एक दो तीन फिर सिंगल क्रोशिया इसी तरह से करके ये पाइनएप्पल भी कंप्लीट हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात और इस वाले इसके बीच में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे ये। फिर यहाँ पे तीन चैन लेंगे, ये तीन चैन चाहे इधर लीजिए या फिर इधर से घुमा के लीजिए
इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम ज्यादातर घुमाकर ही लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे चार डबल क्रोशे बन गया। फिर इसमें हम आठ चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना देंगे। फिर तीन चैन लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन और फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से करके ये घटता जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 है, इसके बाद 3 2 1 आएगा। इसी तरह से करके ये पूरा पाइनएप्पल बनेगा। यहाँ पे आठ चैन लेंगे और फिर इस तरह से इसके बीच में से चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से पूरे हम घटा के आपको ये देखिए, फिर इधर घुमाएंगे और तीन चैन लेने के बाद इसमें चार डबल क्रोशे बना देंगे। देखिए यहाँ पे चार डबल क्रोशिया ले लिए हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक एक करके चैन बढ़ेगा। तो देखिए तीन चैन लेंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन लेके फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और इस तरह से फिर 9 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ पे डबल चार डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए फिर इधर से घुमा के तीन चैन लेके और यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक हो जाता है तो आपको दिखाते हैं। देखिए तीन हो गया, अभी आएंगे तो दो होगा, उस तरफ से जाएंगे तो तीन हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 10 चैन। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, और फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन लेके फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 10 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे चार डबल क्रोशिया। फिर चार डबल क्रोशिया, ये देखिए, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चैन लेने के बाद फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन लेके फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 11 चैन लेंगे, और फिर यहाँ पे चार डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर यहाँ पे चार डबल क्रोशिया,
अब यहाँ पे 12 चैन हमको लेना है, लास्ट में 12 चैन ही आपका आएगा। और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 12 चैन लेने के बाद यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। देखिए ये पूरा पाइनएप्पल शुरू से हमने लास्ट तक एक पूरा हमने बनाया है आपके सामने। फिर 3 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पे फिर 3 चैन लेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे इस तरह से, देखिए। और ये पूरी रो कंप्लीट हो गया है। अब आपका तीसरा भाग बहुत जल्द आएगा। उसके लिए आप चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपको दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, एक बार आप ट्राई कीजिए और इसे बनाइए। इसे डाइनिंग टेबल पर भी आप सजा सकते हैं 6 का सेट बना के। और देखिए